हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम खेत सिंह चौहान फ्रॉम गवर्नमेंट वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत स्कूल दातारामगढ़ सीकर। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी शैल लर्न लेसन नंबर 11। द नेम ऑफ द लेसन इज इफ आई वर यू, रिटन बाय डगलस जेम्स, सीन ए एंड इट्स पार्ट नंबर 5 फ्रॉम योर इंग्लिश टेक्स्ट बुक बिहाइव। तो व्हाट इज द नेम ऑफ द लेसन? द नेम ऑफ द लेसन इज इफ आई वर यू, यदि मैं तुम्हारी जगह होता या यदि मैं तुम होता। इट इज ए प्ले, ये एक प्ले है, नाटक है। यस, लेट अस वी स्टार्ट। इंट्रोड्यूस कहता है यू वॉन्ट बी हियर लॉन्ग। इंट्रोड्यूस ने क्या कहा कि यू वॉन्ट बी हियर लॉन्ग, तुम यहाँ अधिक देर तक नहीं रहोगे। वॉन्ट बी हियर यानी यहाँ, लॉन्ग यानी लंबे समय तक, नहीं रहोगे यानी अधिक समय रहोगे। सो आई डिडंट ट्रबल टू आस्क, इसलिए मैंने पूछने का कष्ट नहीं किया। जेड कहता है व्हाट डू यू मीन, तुम्हारा क्या तात्पर्य है या क्या मतलब है। इंट्रोड्यूस कहता है This is your big surprise. यह तुम्हारे लिए एक बड़ा आश्चर्य है। I am going to kill you. मैं तुम्हें मारने जा रहा हूँ, अर्थात तुम्हें मारूँगा। जेड ए लिटिल हार्स isn't it? यह तो कठोर कार्य है। isn't it क्या नहीं है? इंट्रोड्यूस कहता है विथ हेवी इसका सम, हेवी का मतलब भारी और इसका सम का होता है व्यंग से, यानी कठोर व्यंग से, यानी अत्यधिक व्यंग से वो कहता है। हाँ, इंट्रोड्यूर कहता है घुसपैठिया, इंट्रोड्यूर कौन, घुसपैठिया कहता है विथ हेवी इसका सम, कुछ अधिक व्यंग से, इसका सम का होता है व्यंग से। क्या कहता है वो, ये हाँ आई विल बी सॉरी टू डू इट, हाँ मुझे ऐसा करने में अफसोस होगा। सॉरी यानी अफसोस होगा, टू डू इट यानी यह करने में। आई हैव टेकन ए फैंसी टू यू, तुम मुझे अच्छे लगने लगे हो। बट इट इज जस्ट गॉट टू बी डन, परंतु ऐसा करना ही होगा। जेरड वाई एड मर्डर टू योर अदर क्राइम्स, अदर क्राइम्स योर अदर क्राइम्स यानी अपने दूसरे अपराधों में, वाई यानी क्यों, एड मर्डर अपने कत्ल को शामिल क्यों करते हो, यानी दूसरे अपराधों में कत्ल को शामिल क्यों करते हो। इट्स ए ग्रेव स्टेप यू आर टेकिंग, यह बहुत गंभीर कदम तुम उठा रहे हो। इंटरव्यूअर कहता है आई एम नॉट टेकिंग इट फॉर फन, क्या बोला वो कि आई एम नॉट टेकिंग इट फॉर फन, मैं आनंद के लिए कदम नहीं उठा रहा। आई हैव बीन हंटेड लॉन्ग अनफ, बहुत दिनों से मुझे तलाशा जा रहा है। लॉन्ग अनफ बहुत दिनों से, आई हैव बीन हंटेड तलाशा जा रहा है। आई एम वॉन्टेड फॉर मर्डर ऑलरेडी, पहले से ही, ऑलरेडी यानी पहले से ही, आई एम वॉन्टेड, मुझे मेरी मतलब मेरी तलाश है। आई एम वॉन्टेड का मेरी तलाश है, फॉर मर्डर ऑलरेडी पहले से ही कत्ल के मामले में मेरी तलाश है। एंड दे कांट हैंग मी ट्वाइस, और मुझे दो बार फांसी पर नहीं छड़ा सकते। जेड कहता है यू आर प्लानिंग ए ग्रेटियस डबल, तुम क्या कर रहे हो, एक प्लानिंग कर रहे हो। प्लानिंग का मतलब होता है कि योजना बना रहे हो। ग्रेटियस का होता है अकारण, बिना कारण। तो इसका होता है यू आर प्लानिंग ए ग्रेटियस डबल सो टू स्पीक, तो ये कहा जाए, सो टू स्पीक तो ये कहा जाए यू आर प्लानिंग ग्रेटियस डबल, तुम अकारण दोबारा अपराध की योजना बना रहे हो। एडमिटेड यू हैव नथिंग टू लूज, मानता हूँ कि
तुम्हारे पास खोने को कुछ नहीं है। बट वाट हैव यू टू गेन, परंतु तुम्हें फ़ायदा क्या है, मतलब क्या लाभ है। इंट्रोड्यूस करा, आई हैव गॉट फ्रीडम टू गेन, मुझे फ्रीडम का लाभ है, अर्थात स्वतंत्रता का लाभ होगा। एज यू एज फॉर माई सेल्फ, और जहाँ तक मेरा प्रश्न है, आई एम ए पुअर हंटेड रैट, मैं क्या हूँ, मुझे एक बेचारे चूहे की तरह तलाशा जा रहा है। एज विंसेंट चार्ल्स जेरर्ड, आई एम फ्री टू गो प्लेसेज एंड डू नथिंग, और विंसेंट चार्ल्स जेड के रूप में, एजनी के रूप में, किसके रूप में, विंसेंट चार्ल्स जेड के रूप में, आई एम फ्री, मैं मुक्त हूँ, टू गो प्लेसेज एंड डू नथिंग, स्थानों पर जा सकूँगा मुक्त होकर के, और कुछ नहीं करूँगा, एंड डू नथिंग, कुछ नहीं करूँगा, आई कैन ईट वेल, मैं भली भांति खा सकूँगा, यानी अच्छी तरह खा सकूँगा, एंड स्लीप, और सो सकूँगा, एंड विदाउट हैविंग टू बी रेडी टू बीट एट द साइट ऑफ ए कोप, और एट द साइट ऑफ ए कोप, और एक सिपाही को देखते ही भागने के लिए रेडी टू बीट, यानी भागने के लिए तैयार भी नहीं रहना होगा। जेड कहता है, इन मोस्ट मेलोड्रामास द विलेन इज फुलिश अनफ टू डिले हिज किलिंग लॉन्ग अनफ टू बी फ्रस्ट्रेट, इन मोस्ट मेलोड्रामास, अधिकतर गीत नाटकों में द विलेन इज फुलिश, खलनायक कितना मूर्ख होता है, पर्याप्त मूर्ख होता है कितना, टू डिले हिज किलिंग, दूसरे के मारने के कार्य को इतना लेट कर देता है, डिले लटका देता है, कितना, टू बी फ्रस्ट्रेटेड, कि निराश हो जाता है, फ्रस्ट्रेटेड यानी निराश हो जाता है। यू आर मच लकीयर, तुम तो क्या हो, बहुत अधिक, तुम तो कहीं बहुत अधिक भाग्यवान हो। इंट्रोड कहता है, आई एम ओके, मैं ठीक हूँ, आई हैव गॉट ए रीजन फॉर एवरीथिंग, मेरे पास प्रत्येक चीज़ का एक कारण है, आई एम गोइंग टू बी विंसेंट चार्ल्स जेड सी, देखो आई एम गोइंग टू बी, गोइंग टू बी बनने जा रहा हूँ विंसेंट चार्ल्स जेड, देखो मैं विंसेंट चार्ल्स जेड बनूंगा या बनने जा रहा हूँ। आई हैव गॉट टू नो व्हाट ही टॉक्स लाइक, आई हैव गॉट टू नो व्हाट ही टॉक्स लाइक, मुझे जानना है कि वह कैसे बोलता है। नाउ आई नो, अब मैं जानता हूँ, दैट पॉश स्टफ कम्स ईजी, यह सभ्य भाषा आसानी से आती है। पॉश स्टफ का होता है सभ्य भाषा, कम्स ईजी, आसानी से आती है। दिस इज मिस्टर विशी जेड स्पीकिंग, यह मिस्टर विशी जेड बोल रहा हूँ। पेंटोमाइम ऑफ फोनिंग इन इमिटेशन कल्चर्ड वॉइस, पेंटोमाइम का क्या, मूक अभिनय, यानी वो मूक अभिनय से करता है, ऑफ फोनिंग, फोनिंग का, फोन करने का, मुँह करने का करता है, इन इन इमिटेशन कल्चर्ड वॉइस में, सभ्य भाषा के इमिटेशन का नकल में। एंड दैट्स नॉट ऑल, और यही सब नहीं है, ही स्टेड सब, वह खड़ा होता है, गेट अप ए मिनट, एक मिनट के खड़े हो जाओ,
जेड स्टैंड्स, जेड खड़ा होता है। नाउ टेक ए लुक एट मी, अब मुझे देखो यानी मेरी तरफ देखो। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट अगले टर्न पर। थैंक यू।